हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निषाद गुरु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान जो 16 मार्च को जो ई ऑक्शन होनी है उसकी हम बात करेंगे, और इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे सेक्टर चार पार्ट टू के कौन कौन से प्लॉट आए हुए हैं। मैंने वो आपको एक लिस्ट बता दिया था पहले वाले वीडियो के दौरान कि आप वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्लॉट्स आए हुए, तो उनके एक बार लोकेशन ज़रूर देख लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रॉपर्टी के फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं तो आप ये सोच के करिए कि इसमें आप जब तक आप नहीं कमा सकते, जब तक आपके अंदर रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर्टी का काम छोड़ें और अपना सरकारी नौकरी करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए तो अभी हम बात करते हैं सेक्टर 4 पार्ट 2 और ई ऑक्शन के अंदर। आप पहले देख लीजिए उसकी लोकेशन वाइज, देखिए कि जो जो प्लॉट्स हैं उसकी सारों की मैं आपको लोकेशन दिखाऊँगा, और उसके बाद आप उससे आइडिया लीजिए। मार्केट में आप घूमिए, मार्केट में आप सर्वे कीजिए, और उसका 4-5 डीलर से आप कांटेक्ट करें, वहां से आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है। और अपने पेन और नोटबुक लेके डायरी में आप अपना लिखिए कि जिस प्लॉट के लिए आप ई ऑक्शन लगाने जा रहे हैं उस पर मुझे मुझे इतने कॉस्ट तक अगर मिलता है तो मैं ले लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम चलते हैं एक कनाल के। बड़े प्लॉट्स जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं, एक कनाल का प्लॉट सबसे पहले 2607 और 8। तो 2607 और 8 की लोकेशन देखिए, ये आ गया 2603 और 2603 4, 5, 6, 7, 7 और 8, ये दो प्लॉट हैं। इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो आप ये देखिएगा, बिल्कुल जो ये रोड जिंदल चौक की तरफ चला गया और ये रायपुर की तरफ चला गया, सेक्टर 4 इसके आगे रहता है। तो इस रोड से जैसे ही एक लाइन ये और दूसरी लाइन के ऊपर इसकी लोकेशन रहेगी, वेस्ट फेस के ये दोनों के दोनों प्लॉट्स हैं। और रेट की बात मैं आपको देखिएगा वीडियो के दौरान तो मैं बता तो देता हूँ, लेकिन अगर सारी चीज़ें हम बता देंगे तो आप क्या मेहनत करोगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा ग्राउंड में जाओ और वहाँ पर जाके अपना रेट पता करो कि क्या रेट अभी चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है 2633 के ऊपर अब हम चलते हैं। 2633 प्लॉट नंबर 2633 2514 इस लाइन के अंदर ये देखिएगा, यहाँ पर पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट है 2633 नंबर। इसको अलग रखा गया, इस इन दोनों की आईडी अलग थी और इसकी आईडी अलग है। तो ये हुड्डा गवर्नमेंट क्या करती है, जो बेहतरीन स्थिति के जो प्लॉट्स होते हैं उनकी आईडी अलग बना देती है, ठीक है, ताकि उसका उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो, ज़्यादा वो बोली पे जाए इस वजह से। और एक प्लॉट के लिए क्या होता है, क्या स्कीम है, अगर हुड्डा के पास एक प्लॉट जैसे 2633 है, इस पे अगर 4 से कम ऑक्शन वाले बंदे अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हुड्डा उसको क्या करती है, कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी हुड्डा अपनाता है, वो भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और आप लोग भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो दोनों का कंपटीशन यहाँ हो रहा है, मतलब कस्टमर का भी कंपटीशन हो रहा है और हुड्डा का भी, HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का भी, वो भी पैसे कमाने में पीछे नहीं चल रहा। तो ये 2633 इस साइड में पड़ेगा, अच्छी लोकेशन का है। और बात करें तो आगे इसका लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया, ये जो सेक्टर 4 पार्ट 2 और सेक्टर 4-5 को जो डिवाइड करता चौड़ा रोड है उसके ऊपर का पड़ेगा, इसके सामने ये ग्रीन बेल्ट आ गया। और नेक्स्ट आते 3100 की लाइन, 3156, 57, 58 और 68 3100 की लाइन में 3156, 57, 68 और ये, तो ये अभी आ जाएंगे यहाँ पर, इसको हम देखते हैं 3156 ये इधर, ये देखिएगा ये जो रोड डिवाइड करे ना, यहाँ हमने देखा था 2633 उसके जस्ट आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे इसी रोड के ऊपर, ये सेक्टर 5 है नीचे और ये सेक्टर 4 पार्ट 2। तो इस लोकेशन के ऊपर 2633
3156 57 58 यहाँ पर 3156, उसके बाद 57 58 और 3168 ये लास्ट वाले के इधर। तो ये देखिए ये स्कूल फेसिंग का है 3168 नंबर, प्लॉट नंबर 3168 स्कूल फेसिंग का है, तो इसको कहीं ना कहीं कम प्रेफरेंस लोग देते हैं। और 3156 57 अच्छी लोकेशन का है, सामने 10 मरले के वो हैं। और लेकिन अगर इसकी फेस की बात करें तो हम फेस इसका रहेगा नॉर्थ फेस का, वो एक साउथ फेस का ज़रूर था लेकिन लोकेशन वाइज बहुत ही बेहतरीन ये था, ये जो इधर हमने पहले वाला देखा था ये वाला। नेक्स्ट आता है कि 2756 प्लॉट नंबर 2756 ये आ गया 10 मरले के, इसमें सेक्टर 4 पार्ट 2 में इस बार 14 मरले का कोई प्लॉट नहीं है और यहाँ पर 10 मरले के हैं। 2756 प्लॉट नंबर 2756 यहाँ पर पड़ेगा, ये देखिएगा इसमें इस लोकेशन में 2745 और 2761, तो इस फेस का ये पड़ेगा, साउथ फेस का है लेकिन सामने भी 10 मरले के और ये भी पूरे पीछे भी 10 मरले का आ गया लेकिन पीछे 4 मरले की थोड़ी सी दूर रहती है, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, सेक्टर 4 पार्ट 2 के सेंटर में आ गया। और नेक्स्ट है 2792 प्लॉट नंबर अपना रहेगा 2792 91 92, ये देखिएगा ये रहा थोड़ा सा, हाँ 2792 की लोकेशन आप देखिएगा, पार्क फेसिंग का, पार्क फेस का और अच्छी लोकेशन का, मतलब नेक्स्ट टू द कॉर्नर, कॉर्नर से नेक्स्ट वाला है 2792 10 मरले का, 10m/59 जो लिखा हुआ इस लाइन में पड़ेगा, ये देख सकते हैं इसमें, यहाँ से सीधा ये जो रोड है ये मेन रोड है, इसका आगे जाने के बाद ये रोड सीधा उसमें जो सेक्टर 5 और सेक्टर 4 पार्ट 2 को जो डिवाइड करती है उस रोड में मिल जाता है। नेक्स्ट इज द 3098 फिर ये 10 मरले का और 2594 3098 पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर 3098 3131 ये इधर इस लोकेशन का, ठीक है 3085 और 3103 3102 3101 3102 ये वाला इसके सामने सिंपल है और बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं, तो आप देख सकते हैं ये प्लॉट आ गया। नेक्स्ट आता है अभी 6 मरले में अगर हम चले, एक और छूट गया हमारा 2594, तो सबसे प्राइम लोकेशन का 10 मरले में ये वाला प्लॉट था जो पार्क फेसिंग का है, हालांकि साउथ फेस का है, कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं लेकिन फिर भी रोड की कनेक्टिविटी को देखते हुए, ये जो रोड की कनेक्टिविटी थी इसको देखते हुए इसकी लोकेशन मच बेटर है बाकी सभी से। नेक्स्ट आता है 3000 अब 3000 आ गया 6 मरले के अंदर, 6 मरले के अंदर पूरा 3000 प्लॉट नंबर 3000 आ गया और ये थोड़ा सा दिखने में मुझे भी समस्या हो रही है, एग्जैक्ट इस मैप की क्लैरिटी थोड़ी सी कम है और कोशिश करते हैं, ये आप देख लीजिएगा इसमें ना 3000। नेक्स्ट इज द 2701 चार मरले में अगर हम चलें तो 2701 ये जो छोटे प्लॉट्स हैं इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी कम आ पा रही है, यहाँ 2701 और 3031 ये वाली 4 मरले की लाइन है, एक ये है और एक यहाँ पर ये वाली, ये दो लाइन है 4 मरले की और इसमें रहेगा 2701 और 3031 सेक्टर 4 पार्ट 2 में। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें लेना हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई नुकसान रहेगा, सेक्टर 4 हो, सेक्टर 4 पार्ट 2 हो, सेक्टर 5 हो, सेक्टर
तीन से आगे आगे के जितने भी सेक्टर है, सेक्टर पाँच, चार पार्ट टू, देन उसके बाद चार और एक, ये सभी सेक्टर्स में, इन सभी सेक्टर्स में आप कोई भी प्रॉपर्टी ले, आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन हिसार के अंदर अभी काफ़ी मतलब हर एक इंसान क्या कर रहा है, बाकी सभी जगह से अपनी प्रॉपर्टी को वाइंड अप करके और पूरी पूंजी इन सेक्टर्स के अंदर लगा रहा है। हमारे पास डेली यहाँ की इंक्वायरीज आती, जो आप लोगों की इंक्वायरी आती उन्हीं के आधार पे हम गैस कर पाते हैं कि आगे का फ्यूचर इनका क्या रहेगा। जैसे जैसे आपकी कॉल्स आती हैं, आपकी इंक्वायरीज आती हैं, आपके जो मैसेजेज आते हैं उनके आधार के ऊपर हमें आइडियाज़ लगता रहता है। और वहाँ के रेगुलर जो हमारी टीम है वो विज़िट करती रहती है, हर रोज़ यहाँ पर विज़िट करती है, तो कस्टमर्स के रुझान के आधार के ऊपर ही हम ये सारी चीज़ें आइडिया लगाते हैं और बाकी जो वर्क चल रहा है उसके स्टडी करने, उसका एनालिसिस कर। लोगों ने क्या किया, बाकी सभी जगह से, यानी कि जो छोटे छोटे उन्होंने प्लॉट्स ले रखे थे, कई हिसार के बाहर पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर रखी थी, उन सभी को वाइंड अप करके और यहाँ पर लोगों का रुझान अभी भी बढ़ रहा है, नो डाउट। हाँ, कुछ लोग आपको क्या करेंगे, डीमोरलाइज करेंगे कि प्रॉपर्टी डीलर्स ने बढ़ा दी या बाय इन्होंने बिल्डर्स ने बढ़ा दी। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी के कोई आपको डीमोटिवेट करता है ना, उनकी बातें आप कभी भी ना सुने, ठीक है। आप अपने विवेक का काम करें और जो लोग बाहर से बोलने वाले वो बोलते रह जाएंगे, वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। कोई चीज़ का डेवलपमेंट अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उसको, उसकी कमियां निकालने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ लेने के लिए जेब में पूंजी चाहिए होती है, जेब में पैसा चाहिए होता है, तब कोई चीज़ ली जाती है। बाहर बैठ के तो कोई भी कुछ बोल सकता है, किसी को भी डिमोरलाइज कर दे या नेगेटिव बातें किसी की भी कर सकते, तो आपने किसी की नेगेटिव बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपने जो अपना काम है वो काम करना है। ई ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करें, कोई चीज़ जायज़ मिलती है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलती तो मार्केट से बाय कर ले, सिंपल सा है। तो ये था सेक्टर चार पार्ट टू का, सेक्टर पाँच का अलग से वीडियो बनेगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट्स है प्रॉपर्टी की वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।